वर्ल्ड की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब कि ये ऐसी वेब सीरीज है जिसने खिताब जीत रखा है कि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोगों ने अभी तक देखी है, और डेफिनेटली मैंने भी इस वेब सीरीज को पूरा का पूरा देखा हुआ है। लेकिन आज हम बात करने वाले इसी वेब सीरीज का आया हुआ एक प्रीक्वल। देखो, सीक्वल सुना होगा बट ये प्रीक्वल है, यानी कि उस वेब सीरीज के इर्द गिर्द जो कहानी थी उससे भी कुछ सालों या फिर कई सालों पहले की एक कहानी के ऊपर जो वेब सीरीज आई है जिसका नाम है हाउस ऑफ ड्रैगन। एन के टिप्पणी में आज हम बात करने वाले हाउस ऑफ ड्रैगन वेब सीरीज जो कि हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है, जिसके दो एपिसोड अभी तक रिलीज हो चुके हैं। लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये दो एपिसोड्स कैसे रहे और कैसी कहानी बिल्डअप होने की गुंजाइश है। देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स इसे बना रहे, तो नो डाउट उनके बारे में मैं कोई भी सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो यदि आपको नहीं पता तो जान के आप कहोगे वाओ, ये तो कुछ अच्छा। इस वेब सीरीज की सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाली बात है जो मेरे लिए है, वो है कि इस वेब सीरीज का एक एक एपिसोड है वो $20 मिलियन का है। $20 मिलियन बोले तो लगभग 160 करोड़ पर एपिसोड। भाई साहब, इतने में तो दो दो मूवीज बन जाती है बॉलीवुड की। ये मान लो हमारे बाहुबली की जो मूवी थी बाहुबली, उसका बजट था 180 करोड़, और यहाँ पे सिर्फ एक घंटे का बल्कि उससे भी कम का एपिसोड है, वो है लगभग 160 करोड़ का। देखो, 160 करोड़ कहाँ लगते हैं ये साफ साफ हमें समझ में आता है, क्योंकि जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है उन्हें समझ में आता होगा कि इसके अंदर ड्रैगन्स थे, और ड्रैगन वाले VFX गेम ऑफ थ्रोन्स में तो काफी बाद आते, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग से ही कहानी उन ड्रैगन्स के इर्द गिर्द घूम रही है। हाउस ऑफ ड्रैगन्स के नाम से तो पता चलता है कि ड्रैगन्स के इर्द गिर्द ये कहानी, तो ड्रैगन के जितने भी VFX यूज हुए हैं वो बहुत ही शानदार और गजब के है, तो ये तो पता चलता है कि इसके जो बजट है वो कहाँ लग रहे हैं। और ये 150 करोड़ वाली बात तो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही मेरे भाई। चलो, अपनी एक्साइटमेंट थोड़ा कम करके हम पॉइंट पे आते हैं। यस, थ्रोन्स यदि किसी ने नहीं देखी तो भी वो इसको देख सकते हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले की कहानी। लेकिन जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखी उनको मैं समझा सकता हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जब जब वो मैड किंग का जिक्र हुआ है, जिस मैड किंग के बारे में बात हुई है, उसी मैड किंग से पहले के 100 साल पहले के अराउंड ये कहानी घूमती है। वो मैड किंग कैसे बना और कैसे एक ही घर के लोगों ने, टारगेरियन जो फैमिली है, टारगेरियन जो वंश है, उसी के लोग आपस में लड़ते हैं, और क्या सत्ता के लिए क्या क्या लोग किस हद तक गिरते हैं, कितना खून खराबा होता है, बस उसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। देखो, इसकी मैं एक साफ साफ बता देता हूँ, ये लगभग उन लोगों ने नहीं देखी होगी जो कि डार्क स्टोरीज देखना पसंद नहीं करती, उसमें दबा के लस्ट है, दबा के सेक्स है, और दबा के खून खराबा, और ऐसे ऐसे सीन है जो आंखों से देखे नहीं जा सकते नॉर्मली, तो ऐसे ऐसे सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स में थे, और ये तो उसका भी बाप है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स का बजट तो सिर्फ $10 मिलियन था, और इसका उससे दुगना पर एपिसोड का बता रहा हूं मैं। तो अब आप देख लो कि इसके अंदर भर भर के सीन्स आने वाले, भर भर के VFX आने वाले। और अब episode 1 और episode 2 देखो 22 अगस्त से डिज्नी हॉटस्टार पर आ गए हैं। वैसे तो ये HBO ओरिजिनल्स वेब सीरीज है, मतलब HBO के द्वारा बनाई गई है, लेकिन HBO अपने इंडिया में अवेलेबल है ही कहाँ, इसलिए डिज्नी हॉटस्टार पर ये रिलीज होती है। अभी हर मंडे को सुबह 6:30 बजे रिलीज होती है। इसके 2 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं, तो मैं आपको तो यही सलाह दूंगा कि यदि आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो चाहे ना देखी हो, लेकिन आप इस वेब सीरीज को अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पहले एपिसोड में पता चलेगा धीरे धीरे कहानी बिल्ड हो रही है, फिर दूसरे एपिसोड में पता चलेगा हाँ यार कहानी में गंभीरता बढ़ रही है। और अभी तक 2 एपिसोड आए हैं, दोनों एपिसोड के अंदर यदि मैं आपको बताऊं तो देखो, टारगेरियन वंश के जो राजा है उनके पास हाल फिलहाल कोई भी अपना वंशज नहीं है जो कि लड़का हो। अब उनके पास सिर्फ एक लड़की है जो कि दावेदार है, और अच्छी दावेदार है, वो काफी अच्छा राजा या रानी साबित हो सकती है। लेकिन वहीं उसका एक छोटा भाई है जो कि है डेमन टारगेरियन, जो कि यदि उसके लड़का वंशज नहीं है तो उसको गद्दी मिलनी चाहिए, ऐसा दावा रखता है। लेकिन इस बीच के अंदर जो डेमन टारगेरियन है वो एक तरीके से वर्थी राजा नहीं है हमारे राजा के हिसाब से, तो वो अपनी बेटी को ही अपना हेर यानी कि उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब बस उसी के ऊपर ये कहानी धीरे धीरे सीरियस होती है। अभी तक सिर्फ कहानी में लगभग ऐसा बताया गया, एग्जैक्टली क्या हुआ है वो तो अभी आपको देख के ही पता चलेगा। लेकिन मेरी आप लोगों से सलाह यही है कि भाई लोग, यदि आपने अभी तक इस वेब सीरीज को स्टार्ट नहीं किया है, और गेम ऑफ थ्रोन्स आप इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे, आप ये सोच रहे हो यार 8 सीजन है, 2011 से लेकर 2019 तक वो वेब सीरीज आई है, और अब आप उसको एकदम में कैसे देखोगे, अगर नहीं देखोगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप इस वेब सीरीज को अभी के अभी स्टार्ट कर सकते हो। हर मंडे आपको एपिसोड आएगा ही और आपको उसका वेट होगा, डेफिनेटली आप उस कहानी में घूमोगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ही कहानी समझ में नहीं आती भाई लोग। फाइनल स्टेटमेंट यदि हम दें दोनों एपिसोड देखने के बाद, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी ही लग रही है मेरे को, उसके जितना मजा देगी। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड देखना, धीरे धीरे आप कहानी में डूबने लगोगे। दबा के आपको डार्कनेस मिलेगी, गंदी वाली फाइट मिलेगी, बहुत तगड़ा खून खराबा मिलेगा और बिना किसी परवाह के आपको बहुत सारी लस्ट मिलेगी। मतलब ये मान लो कि आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो बस इसके बाद आप कहोगे कि यार उस टक्कर की वेब सीरीज कब बनेगी। लेकिन फिर भी यदि मैं आपको कहूं तो देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स से ज़्यादा ये कहानी बनती हुई नज़र आ रही, लेकिन मुझे अभी तक इतना यकीन नहीं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स जितने ही पॉपुलर भी होगी या गेम ऑफ थ्रोन्स जितना ही मज़ा देने वाली है। ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा अभी लग भी रहा है और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, बट फिर भी जब तक पूरी कहानी या पूरा सीजन नहीं आ जाता कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि ये वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है हाउस ऑफ ड्रैगन के नाम से। अभी इंग्लिश में ही आ रही है, हिंदी डब्ड आई है लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है और ना ही वो डिज्नी हॉटस्टार पर, वो कि अलग तरीके से आप उसे देख सकते हो, जिसे मैं भी नहीं देखता क्योंकि इंग्लिश में देखने में आपको कहानी बखूबी समझ में आएगी, वैसा आपको सबटाइटल ऑन रखने हैं। इसके बाद बस इतनी ही मैं आपको खबर देना चाहूंगा हाउस ऑफ ड्रैगन के बारे में। यार 150 करोड़ का एक एपिसोड, तो सोच के मेरा तो इसके लिए एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। मैं हर रोज सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन पे देखता हूं 150 करोड़ से बनी एक वेब सीरीज का एक एक एपिसोड, तो आप क्यों नहीं देखते, आपको भी देखनी चाहिए, डेफिनेटली मजा आ जाएगा। एनी के टिप्पणी में हाउस ऑफ ड्रैगन के ऊपर आज इतनी ही टिप्पणी। हमारी टिप्पणी आपको कैसे लगी आप टिप्पणी करके बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ यार, लाइक कमेंट कुछ तो किया करो, इतनी सारी बातें करते हैं, कुछ बातें आप अपनी रख के जाया करो। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना।